नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने देश के नए राजनीतिक नक्शे से संबंधित संविधान संशोधन बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे कुछ घंटे पहले ही नेपाल की संसद ने इसे मंजूरी दी थी। नए नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्बिया धुरा क्षेत्रों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है, जबकि भारत इस पर कड़ी आपत्ति जता चुका है। भारत का कहना है कि ये तीनों हिस्से उसके हैं। भारत ने इसे कृत्रिम रूप से क्षेत्र का विस्तार बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल के संशोधित नक्शे में भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है और काठमांडू को इस तरह के अनुचित मानचित्रीकरण से बचना चाहिए। चलिए भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को विस्तार से समझते हैं। इस सीमा विवाद की जड़ में 338 वर्ग किलोमीटर की एक पट्टी है जो भारत, नेपाल और चीन के बीच के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। इसी ट्राई जंक्शन के क्षेत्र में लिम्पिया धुरा दर्रा, लिपुलेख और कालापानी स्थित हैं। भारत नेपाल सीमा विवाद पर इतिहास क्या कहता है, अब ये समझ लीजिए। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें समझना होगा कि नेपाल की सीमाएं सुगौली की संधि 1816 के अनुसार नदियों से परिभाषित की गई। यह संधि नेपाल के गोरखा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध के बाद हुई थी, जो 2 साल तक चला था। इस संधि के तहत जब सीमाओं को चिन्हित किया गया तो यह तय किया गया कि पश्चिम की तरफ काली नदी सीमा को चिन्हित करेगी, जबकि पूर्व की तरफ मेची नदी सीमा होगी। जब एक नदी देश की सीमा बन जाती है तो उस नदी की उत्पत्ति वाली जगह अहम हो जाती है। सुगौली की संधि में नेपाली पक्ष और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी भी नक्शे पर हस्ताक्षर नहीं किए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नक्शे दिखाते हैं कि काली नदी का उद्गम पश्चिम की तरफ लिम्पिया धुरा दर्रे के पास था। हालांकि अगले कुछ सालों में इस दर्रे के व्यापारिक महत्व को समझते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सीमाओं को कालापानी के पूर्व में शिफ्ट कर दिया। नेपाल को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी और समय के साथ यह भारत और नेपाल के बीच की सीमा बन गई। भारत नेपाल सीमा विवाद में संकट का पहला संकेत कब मिला? 100 सालों से भी ज्यादा के समय में भारत और नेपाल के बीच इस ट्राई जंक्शन को लेकर कोई विवाद नहीं था। असल में चीन के साथ 1962 के युद्ध के दौरान भारत ने चीनी आक्रामकता का अंदाजा लगाने के लिए इस ट्राई जंक्शन पर सैनिकों को भी तैनात किया था। अभी भी भारतीय सैनिकों की तैनाती वहां के कई हिस्सों में जारी है। इसी तरह मानसरोवर जाने वाले कई तीर्थयात्री लिपुलेख दर्रे से होकर जाते हैं। मगर 1990 के दशक में स्थिति बदल गई जब नेपाल राजशाही से लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ चला गया। नव निर्वाचित सरकार ने इस ट्राई जंक्शन को लेकर भारत से आपत्ति जताई। तब से भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद एक गंभीर मुद्दा रहा है। इसे हल करने की कोशिश में सन 2000 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सीमा पर क्षेत्र सर्वेक्षण कराने पर सहमति जताई थी। हालांकि यह प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि भारत ने प्रक्रिया खत्म होने तक सैनिकों को ट्राई जंक्शन से हटाने से इनकार कर दिया था। इसी तरह सन 2015 में भारत और चीन देशों के बीच सीमा व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए लिपुलेख दर्रे का इस्तेमाल करने पर सहमति हुई थी, लेकिन तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने इस समझौते पर कड़ी आपत्ति जताई थी। 5 साल बाद भारत और नेपाल के बीच विवाद फिर से शुरू हो गया है। नेपाल द्वारा अपनी सीमा पर सशस्त्र पुलिस तैनात करने के कुछ दिनों बाद एक भारतीय नागरिक गोलीबारी की घटना में मारा गया। इसके अलावा नया नेपाली नक्शा नेपाल की सीमाओं के भीतर भारतीय क्षेत्र को दिखाता है। भारत के लिए चीन के खिलाफ रक्षा की दृष्टि से ये ट्राई जंक्शन रणनीतिक रूप से अहम है। साथ ही नेपाल सरकार के लिए, जिसे देश में कोविड-19 की स्थिति के प्रबंधन को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, इस राष्ट्रवादी लड़ाई को जीतना उसके लिए स्थिरता के लिए अहम है। बहुत लोग मानते हैं कि दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत से इस स्थिति को हल किया जा सकता है। हालांकि सीमा विवाद के इस दौर में स्थिति काफी खराब हो गई है। ऐसे में इस बात को लेकर चिंताएं हैं कि यह विवाद कब तक चलेगा।